नमस्कार, मैं डॉक्टर रमेश सिंह इस वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हम कर्ल ऑफ अ वेक्टर की बात करेंगे। सबसे पहले हम ये समझें कि लाइन इंटीग्रल होता क्या है और किस तरह से इसको प्राप्त किया जाता है। इसके लिए हम एक सदिश क्षेत्र में दो बिंदु x और y को मिलाने वाली पथ की बात करते हैं। x तथा y को मिलाने वाली इस संपूर्ण रेखा को, पथ को क्रमशः छोटे छोटे अल्पांशों में dr1, dr2, dr3 में डिवाइड कर लें। इस प्रकार ये छोटे छोटे विस्थापन अल्पांश जब पर्टिकुलर अल्पांश पर सदिश क्षेत्र के मान a1, a2, a3 से मल्टीप्लाई होंगे और इन सब का जब सम कर दें तो हमें बिंदु x से बिंदु y तक प्राप्त होने वाले सदिश A के और पाथ के अदिश गुणनफल का योग इस तरह से हमको प्राप्त होता है u=summation a.dr, वेयर ए पर्टिकुलर पॉइंट पर सदिश क्षेत्र का मान है, dr उस पर्टिकुलर अल्पांश में पाथ की डिस्टेंस ली हुई है। यदि विस्थापन अल्पांश बहुत छोटा ले, अर्थात dr = 0 हो तो समाकलन की परिभाषा से ये समेशन इंटीग्रल में चेंज हो जाता है, अर्थात u = ∫x(y)\a.dr। ये जो इंटीग्रल प्राप्त होता है इस इंटीग्रल को हम लाइन इंटीग्रल कहते हैं, क्योंकि ये सदिश A का उसके पाथ के अनुदिश अदिश गुणनफल के रूप में प्राप्त होता है। इस लाइन इंटीग्रल की जो फिजिकल इम्पोर्टेंस है उसको देखने के लिए, यदि हम लाइन इंटीग्रल इस तरह का लें जो केवल प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की स्थिति पर ही निर्भर करता है, उसके बीच का पाथ आप कोई सा भी ले लें उस पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात लाइन इंटीग्रल यदि इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फ्यूजन हो तो इस प्रकार का जो वेक्टर फील्ड है उसको जनरली कंजर्वेटिव फील्ड कहा जाता है। यदि आप सदिश A की जगह फोर्स ले लें और dr को डिस्प्लेसमेंट ले लें तो f.dr जनरली किए गए कार्य के बराबर भी होता है, ये हम जानते हैं। यदि दोनों बिंदु एक ही हो, अर्थात जो पाथ लिया हुआ है वो पाथ मिलकर के एक बंद पथ का निर्माण करें तो जो लाइन इंटीग्रल प्राप्त होगा वो होगा c = ∫ of a.dr around closed path
इस इंटीग्रल को सर्कुलेशन कहा जाता है। इस तरह से आप सर्कुलेशन को बंद पथ के अनुदिश निकाल सकते हैं। जब सर्कुलेशन हमको मिल जाता है तो अब हम किसी वेक्टर फंक्शन या वेक्टर फील्ड की कर्ल की परिभाषा देने में सक्षम होंगे। इस परिभाषा अनुसार यदि बंद पथ के द्वारा परिबद्ध पृष्ठ तल के अभिविन्यास पर रेखा समाकलन निर्भर करता है और बंद पथ द्वारा परिबद्ध पृष्ठ को इस प्रकार रखा जाता है कि रेखा समाकलन या परिसंख्यन का मान अधिकतम हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, तो इस स्थिति में रेखा समाकलन तथा पथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल के अनुपात का सीमांत मान क्षेत्रफल अल्पांश की स्थिति पर परिमाण में सदिश क्षेत्र का कर्ल कहलाता है, अर्थात कर्ल ऑफ ए इज इक्वल टू लिमिट डी ए टेंस टू जीरो वन अपॉन डी ए डॉट डी एल मैक्सिमम। यदि हमारी दिशा उस तल के लंबवत हो जिसमें स्थित क्षेत्रफल अल्पांश की परिसीमा पर परिसंचरण अधिकतम होता है, तो क्षेत्र अल्पांश का क्षेत्रफल जब अल्पतम हो तो यही क्षेत्रफल अल्पांश बिंदु मात्र हो जाता है और कर्ल का मान क्षेत्र में इस बिंदु की स्थिति पर निर्भर करता है। यदि हम किसी बिंदु पर स्थित एकांक क्षेत्रफल की अल्पांश की दिशा में क्षेत्रफल अल्पांश को सदिश लिया जाता है, ये आप जानते हैं, तो इस क्षेत्रफल अल्पांश के दिशा में यदि एकांक सदिश n लिया जाए तो प्रति एकांक क्षेत्रफल परिसंचरण का अधिकतम मान सदिश n के अनुदिश उस बिंदु का घटक कहलाता है, अर्थात कर्ल a डॉट n इज इक्वल टू लिमिट डी ए टेंस टू जीरो वन अपॉन डी ए इन सर्कुलेशन ऑफ a अराउंड डी एल। इस प्रकार ये कर्ल की परिभाषा है। अब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कर्ल के मान को ज्ञात करने के लिए सूत्र स्थापित करना चाहते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ एक बंद पथ पी क्यू आर ए लिया हुआ है। इस बंद पथ के बिंदु ओ पर सदिश का मान ए है। इस दिशा में एक्स एक्सिस हमने लिया है, इस दिशा में वाई एक्सिस लिया है, इस दिशा में जेड एक्सिस लिया है। स्पष्ट है कि पी क्यू की जो लेंथ है वो डी एक्स के बराबर होगी, एस पी की जो डिस्टेंस है वो डी वाई के बराबर होगी। इस तरह से कंपोनेंट्स याद करने के लिए, क्योंकि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एलोंग एक्स एक्सिस इज ए एक्स, एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वेक्टर ए का वो एक्स हमने लिया है। इस एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसको यदि मैं इस पाथ पर ज्ञात करना चाहूँ पी क्यू, तो मुझे
पॉइंट ओ से चल करके इस पाथ तक आना होगा। तो हम यदि ये माने कि जो सदिश ए है उसकी वाई डायरेक्शन में परिवर्तन की दर डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई हो, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो डी वाई बाई टू होगी। अतः यहाँ से यहाँ पहुँचने पर सदिश में जो परिवर्तन होगा वो होगा डेल एक्स अपॉन डेल वाई मल्टीप्लाइड बाई डी वाई बाई टू, क्योंकि इस बिंदु ओ से इस पाथ पर पहुँचने के लिए हमको नेगेटिव वाई डायरेक्शन में बढ़ना होता है। अतः पाथ पी क्यू पर वेक्टर ए का जो कंपोनेंट हमको मिलेगा उसकी वैल्यू होगी ए एक्स माइनस डेल्टा एक्स अपॉन डेल वाई डी वाई बाई टू। सिमिलरली यदि मैं पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में बढ़ूंगा तो मुझे आर एस पथ प्राप्त होगा और इस बिंदु पर जो कंपोनेंट का मान होगा इस पथ पर सदिश के जो कंपोनेंट का मान होगा वो होगा माइनस, ध्यान दीजिए पॉजिटिव एक्स इस डायरेक्शन में लिया है तो हमने आर एस पर इस दिशा में लिया हुआ है, अर्थात माइनस ए एक्स प्लस डेल एक्स अपन डेल वाई डी वाई बाई टू, क्योंकि ओ बिंदु से हम पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं। सिमिलरली क्यू आर पाथ पर अब आप वाई डायरेक्शन में सदिश का कंपोनेंट ले रहे हैं और जो परिवर्तन है वो एक्स डायरेक्शन में है, तो जो वैल्यू कंपोनेंट की होगी सदिश के कंपोनेंट की क्यू आर पथ पर वो होगी ए वाई प्लस डेल्टा ए वाई अपॉन डेल एक्स डी एक्स वाई टू। इसी प्रकार एस पी पथ पर इस सदिश का कंपोनेंट माइनस ए वाई माइनस डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स डी एक्स वाई टू होगा। अतः जब इस संपूर्ण बंद पथ पर पी क्यू आर एस पी पर हम कुल परिसंचरण या कुल सर्कुलेशन ज्ञात करें तो हम इन सबको जो कंपोनेंट है उसको डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करके एड करना पड़ेगा, क्योंकि हमको मालूम है लाइन इंटीग्रल सदिश मल्टीप्लाइड बाई दी लेंथ ऑफ दी पाथ पर डिपेंड करता है। अतः कुल सर्कुलेशन अराउंड दी पाथ पी क्यू आर एस पी इज गिवन एज एड ओ पी एल एक्स माइनस डेल एक्स अपन डेल वाई डी वाई बाई टू माइनस एक्स माइनस डेल एक्स अपन डेल वाई डी वाई बाई टू डी एक्स प्लस ए वाई प्लस डेल ए वाई डेल एक्स डी एक्स बाई टू माइनस ए वाई प्लस डेल ए वाई अपन डेल एक्स डी एक्स बाई टू डिवाइड बाई डी वाई। इस ब्रैकेट में ए एक्स कैंसिल हो जाते हैं, ये दोनों बराबर हैं, ट्वाइस हो जाता है, ट्वाइस से कैंसिल होकर आपको मिलेगा माइनस डेल ए एक्स अपन डेल वाई डी एक्स डी वाई, और इसमें ए वाई कैंसिल हो जाता है और इन दोनों से हमको मिलेगा डेल ए वाई अपन डेल एक्स डी एक्स डी वाई, और उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं डेल ए वाई अपन डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स अपन डेल वाई डी एक्स अपन डी एक्स मल्टीप्लाई बाई डी वाई। हम जानते हैं कर्ल की परिभाषा से कि जो जेड डायरेक्शन में कर्ल का कंपोनेंट होगा वो कर्ल ए डॉट के बराबर होगा, दैट इज गिवन एज लिमिट टेल डी ए डैश टू जीरो वन अपॉन डी ए इंटीग्रेशन ए डॉट डी ए। तो ये जो सर्कुलेशन का कंपोनेंट आ रहा है ये बेसिकली एरिया सर्कुलेशन के कारण जो एरिया बना है उसकी डायरेक्शन जेड है,
इसलिए ये जो कंपोनेंट हमको मिला कर्ल का, ये जेड कंपोनेंट हमको मिलता है, और परिभाषा से जो जेड कंपोनेंट की जो वैल्यू हमको मिली वो मिली डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई। सिमिलरली यदि आप एक्स और वाई डायरेक्शन में कर्ल ए का कंपोनेंट याद करें, ऊपर के तरीके से यदि आप कैलकुलेट करें तो ये हमको मिलेगा डेल ए जेड डेल वाई माइनस डेल ए वाई डेल जेड एंड कर्ल ए वाई इज इक्वल टू डेल एक्स अपॉन डेल जेड माइनस डेल ए जेड अपॉन डेल एक्स। अतः कुल कर्ल ए इज इक्वल टू हो गया आयोटा सम ऑफ एक्स कंपोनेंट, जे ऑफ दिस कंपोनेंट, के ऑफ दिस कंपोनेंट। इसको अगर आप हम डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा आई जे के डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड एक्स ए वाई ए जेड। अर्थात कर्ल ए इजिकल टू होता है ग्रेड मल्टीप्लाइड बाई ए, अर्थात ग्रेडियंट का वेक्टर के साथ सभी गुणनफल कर्ल ए के बराबर प्राप्त होता है। अतः यदि आप इस फार्मूले का इस्तेमाल, ग्रेडियंट की वैल्यू आप जानते हैं, ए का कंपोनेंट बराबर रखें और उसकी वैल्यू ज्ञात करें तो आपको कर्ल ए की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। नाउ कर्ल के कार्तीय पद्धति में मान ज्ञात करने, कर्ल की परिभाषा को समझने के बाद अब हम ये देखना चाहते हैं कि कर्ल का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। इसके लिए ध्यान रखिए, ओरिजिन ऑफ कर्ल ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज फ्रॉम रोटेशन और सर्कुलेशन ऑफ द वेक्टर, अर्थात सदिश सेट के कर्ल की उत्पत्ति सदैव इसके घूर्णन या परिसंचरण से होती है। इस प्रकार की परिसंचरण गति को आप इस तरह से भी दर्शा सकते हैं, ये जो गति है वो क्लॉकवाइज होगी, ये जो गति है वो एंटी क्लॉकवाइज। इस प्रकार की जो गति है वो सामान्य सदिशों में देखी जा सकती है। इस तरह की जो सदिश क्षेत्र होते हैं जिनमें परिसंचरण गति होती है उन सदिशों को जनरली ब्रोनी या कर्ली सदिश भी हम कहते हैं। इसी रेखीय चालक में धारा प्रवाह के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार के सदिश क्षेत्र का उदाहरण है। ये आप आगे जो लेक्चर आएंगे उसमें भी देख पाएंगे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कर्ल जो है बेसिकली रोटेशनल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी फील्ड की उसको प्रदर्शित करने के लिए इस्तेमाल में आता है। अतः कर्ल एक इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है। मैं अपना ये लेक्चर आज यहीं समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार।